तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बहुत कम चीजों को मैं यूं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो क्लास 10th में हम करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स, ही ऑलवेज ट्राइज टू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ। वन डे इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प, ये दिख रहा है लैम्प पोस्ट, ये ग्रीन कलर कर दिया जिसपे मैंने, और किस स्पीड पे वो अवे जा रहा है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड, और लैंप की हाइट क्या बच्चों, 4.5 मीटर। तो ये 90 का एंगल ऑटोमेटिकली हम कंसीडर करते हैं, और बंदा भी हमेशा 90 के साथ ही होता है, 90 एंगल के साथ ही। आफ्टर 2 सेकेंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 सेकेंड में रोहन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर सेकेंड। तो 2 सेकंड में रोहन भैया 2 × 1, बहुत बढ़िया, ये 2 मीटर हुआ। 2 मीटर के बाद, 2 मीटर ट्रेवल करने के बाद बी से डी तक रोहन सीडी पे प्लेस हुआ हुआ है देखो, और रोहन सीडी पे तो प्लेस हुआ हुआ है, और उसकी शेडो क्या है बच्चों, डी। उसकी शेडो क्या है बच्चों, तो डी की वैल्यू भी हमें पता ही है, 1। पूरा बी कितना आ गया, पूरा बी 3 मीटर, शाबाश। पूरा बी कितना आ गया बच्चों, 3 मीटर। ठीक है, कोई इश्यू? अब आपको दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है और आपकी रोहन की हाइट आ जाएगी। कौन कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर करनी चाहिए मुझे, सी डी ई एंड ए बी ई। ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो ट्रायंगल मुझे क्या करनी है, सिमिलर। तो सिमिलर करना बहुत इजी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री ईच। और कौन सा एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन। क्या बात है, तो ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई बाय विच लॉजिक बच्चों, डबल ए सिमिलरिटी। क्या बात, अब सिमिलर तो हो गई, जो चीजें पता है उसका यूज करो, जो नहीं पता जो निकालना है उसका भी यूज करो। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, ए बी ओवर सी डी, क्या कह सकता हूं बच्चों, ए बी ओवर सी डी, ए बी ओवर सी डी। और उस ट्रायंगल की देखो, सी डी और ए बी ओवर सी डी ले लिया, और उस ट्रायंगल में मैंने पूरा बी लिया और साथ में डी लिया, ले सकता हूं बिल्कुल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो ए बी क्या है बच्चों, ए बी 4.5, सी डी मुझे निकालना है, बी ई मेरा कितना है, अभी अभी निकाला था, 2 + 1 3 कर दिया था ना हमने, 3। व्हाट अबाउट डी, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी डी की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 4.5/3 आएगी, तो सी डी की वैल्यू 4.5/3, 1.5 मीटर, और इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 1.5 मीटर के सेंटीमीटर इंटू 100 करते हैं, इंटू क्या करते हैं बच्चों, 100। तो प्यारे बच्चों, ये रोहन भैया की जो हाइट होगी पहले क्वेश्चन में 150 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब किसी इंसान की हाइट फिक्स रहती है, अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो वो फिक्स ही है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, कुछ सालों के बाद तो बढ़े या कम हो जाएगी, एक पर्टिकुलर उस आधे उस 10-15 मिनट की बात कर रहा हूं अगर मैं, उस दौरान तो फिक्स रहेगी या एक आधा फुट बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो हाइट क्या रहेगी बच्चों, फिक्स है रोहन की 150। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत, काफी बच्चों से पहला हो जाता है।
लेकिन कई बार दूसरा क्वेश्चन कई बच्चों को तंग करता है और दूसरा समझता है। अब पहला हो गया दूसरा समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा साइंस का भी यूज होगा, यहां पे थोड़ा सा साइंस का भी यूज होगा। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी करना, मैंने भी किया आपको समझाने के लिए। आई एम ए मैथ्स टीचर बट स्टिल आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट टुडे विद अनंत बजाज कि भैया क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। आओ ए बी, ए पे लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, लैंप तो ऊपर ही है ठीक है, और ये बॉडी है पी क्यू, यहां पे आ गई तो लाइट पड़ेगी पड़ेगी तो कुछ कुछ शेडो बनेगी उसकी। बोलो शेडो क्या बनी बच्चों, क्यू आर पी क्यू की शेडो क्या बनी। तो शेडो को मैं कुछ बोल देता हूं, शेडो वन लेंथ, कितनी लेंथ है बच्चों शेडो वन। अब इसी बॉडी को थोड़ा सा आगे और प्लेस करता हूं, इसी बॉडी को थोड़ा सा और आगे प्लेस करता हूं, ये देखो इतनी यहां करा। अब लाइट पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, शेडो क्या बनी बच्चों, क्यूटी। तो जितना आगे जाओगे ना सेम लेंथ की बॉडी से, जितना आगे जाओगे तो शेडो की लेंथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ठीक है। शेडो की लेंथ क्या है बेटा, पहले से बढ़ेगी जितना पास हो गए, और मैं पास लेके आता हूं इसको पी क्यू को, देखो ये लाइट पड़ी इस पे ठीक है, क्यू एम कह देता हूँ इसको, मैं एस थ्री कह देता हूँ। ये कितनी छुटकी सी शेडो बनी है। तो बॉडी देखो पॉइंट लाइट सोर्स है ऊपर पड़ा, मैं बिल्कुल साइंस की डेप्थ में नहीं जा रहा, अब ये सोचे कि मैं साइंस समझा दूंगा आपको, नहीं मैं मैथ्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको चीज समझानी है। तो मान लो मैं बिल्कुल इस लाइट सोर्स के यहाँ खड़ा हूँ, बहुत कम शेडो पड़ेगी, धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो मेरी शेडो की लेंथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा वो शेडो की लेंथ मेरे बराबर भी होगी, फिर उस पॉइंट के बाद उस शेडो की लेंथ मेरे से बड़ी हो जाएगी। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई। तो आज मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट भी किया मोबाइल की टॉर्च से, फिर मैंने आपके साइंस टीचर को भी वो मैसेज भेजा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, क्योंकि मैंने कहा मुझे इनको क्वेश्चन समझाना है बच्चों को, तो बिल्कुल भी साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए बच्चों का। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, वैसे मैं भी एक इंजीनियर हूं तो साइंस हमारी भी अच्छी हुआ करती थी 11th 12th में, बहुत सालों से पढ़ाई नहीं है तो काफी सारे कॉन्सेप्ट याद भी नहीं रहते, मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शेडो विल बिकम लार्जर देन हिज ओरिजिनल हाइट। प्यारे बच्चों हाइट आ चुकी है हमारी, हाइट कितनी आ चुकी है ये बात आप ध्यान रखना, आप हाइट आ चुकी है कितनी आ चुकी है। तो मैं वो मोमेंट निकाल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं वो मोमेंट निकाल रहा हूं जब उसकी शेडो उसकी हाइट के बराबर होगी, और उस मोमेंट के जस्ट 0.0001 सेकंड के बाद भी शेडो बड़ी हो जाएगी ठीक है। तो पहले मैं वो मोमेंट निकाल रहा हूं जब रोहन की शेडो उसकी हाइट के बराबर होगी। तो मैं एक नया डायग्राम बना दूं, ए बी क्या था बच्चों, टावर, क्या टावर की हाइट फिक्स होगी ना, ये तो नहीं है ना टावर पेड़ कितना बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बच्चों आप। अब की बार रोहन सपोज आर एस पे खड़ा है, रोहन की हाइट मैं निकाल चुका हूं, रोहन की हाइट कितनी निकाल चुका हूं 1.5, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ठीक है। अब मैं वो वाली मोमेंट काउंट कर रहा हूं अभी, कौन सी मोमेंट काउंट काउंट कर रहा हूं, जब रोहन की हाइट और शेडो की हाइट बराबर होगी। बराबर होगी तो बच्चों एस टी भी कितना होगा बोलो, 1.5। क्या बात है, आप तो बड़े खतरनाक प्राणी हो, ये बात समझ आ गई बच्चों। अब ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, तो मेरे को अब मेरा पर्पस है यार ये बी एस आ जाए किसी तरह से, क्या आ जाए बच्चों बी एस।
बड़ा आसान है। बीएस निकालने के लिए पहले मैं बीटी निकाल लूंगा। बीएस निकालने के लिए पहले मैं क्या निकाल लूंगा, फिर से सुनो, मैं वो वाला केस ले रहा हूं जब रोहन की हाइट इज इक्वल टू रोहन की शेडो। रोहन की हाइट इज रोहन की शेडो। बहुत बढ़िया, वो वाला केस लिया मैंने। तो देखो, रोहन की हाइट भी 1.5 जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, और शेडो भी 1.5। बहुत बढ़िया, मेरा पर्पस है बीएस निकालना, आरएस और बीएस। मेरा पर्पस है बीएस निकालना, आरएस तो है हमारे पास। बीटी निकाल लेंगे तो बीटी में से एसटी माइनस कर देंगे तो बीएस आ जाए, तो ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा, कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, ट्रायंगल ए बी टी वही 90 90, और ये कॉमन इज सिमिलर टू आर एस टी। किस लॉजिक से बच्चों, डबल ए सिमिलरिटी। किस लॉजिक से, डबल ए सिमिलरिटी। तो होगा क्या, दिस 4.5 अपॉन 1.5 भाई बी टी अपॉन 1.5। तो 1.5 से 1.5 कट हो गया, तो बी टी कितना आ गया बच्चों, 4.5। बी टी पूरा कितना आ गया, 4.5। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, सर ये 1.5 ये 1.5, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 45 होगा, सर ये 4.5 है तो ये भी 4.5। जैसे मर्जी कर लो, उसमें गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, बी टी 4.5 है, आगे 1.5 है, तो बी एस कितना रह गया बोलो, 3 मीटर। क्या बात है, क्या बात है, खत्म होने वाला है अब ये क्वेश्चन। रोहन भैया की स्पीड पकड़ो कितनी थी, अरे 1 मीटर पर सेकेंड। रोहन भैया की स्पीड कितनी थी, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही वो बी से एस तक जाएगा, 3 मीटर कवर करेगा, तो कितने सेकंड लग जाएंगे रोहन भैया को, अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है तो। आप कहोगे 3/1 मीटर पर सेकंड, हाँ, तो बी से एस तक रोहन भैया को 3 सेकंड। जैसे ही वो 3 सेकंड के बाद एस पे पहुंचेगा, तो उस रोहन भैया की लेंथ, हाइट उसकी शेडो के इक्वल होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पढ़ो, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शेडो विल बिकम लार्जर देन ओरिजिनल हाइट। 3 सेकंड पे तो बराबर होगी, 3 सेकंड के बाद, मिनिमम से मिनिमम 3 सेकंड के बाद, आफ्टर विच पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, तो 3 सेकंड लिखेंगे, 3 सेकंड के आफ्टर। 3 सेकंड के आफ्टर का मतलब चाहे वो 0.00001 सेकंड भी हो तो शेडो लार्जर ही होगी। तो समझ आ गया बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 सेकंड। अब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोहन फ्रॉम पोल, थर्ड भी हो जाएगा अब तो, हो गया ना थर्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोहन फ्रॉम पोल एट दिस पॉइंट, तो क्या आंसर है बच्चों, 3 मीटर। और आपने कौन सा क्राइटेरिया लगाया, आपने कौन सा क्राइटेरिया लगाया बच्चों, डबल ए। क्या बात है यार, क्या बात है, तो इसका आंसर एक और भी हो गया डबल ए। 4 क्वेश्चन केस स्टडी के हमने कर दिया आपके सामने, तो इसके आंसर भी मैच कर लो, यही है, सेम आंसर है। तो प्यारे बच्चों, समझ आई, बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी, मतलब कईयों का दिमाग घुमा सकती है ये, और ये सीबीएसई